हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरसी गेमर की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री शो पर काफ़ी सारी अपडेट के बारे में। तो कल रात मेरी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने कहा था कि ऋतिक रोशन के बारे में मैंने कुछ कहा, किसी ने कमेंट किया कि क्या आप उसको नहीं जानते हो। तो दोस्तों यार, क्यों नहीं जानते, मैंने कितनी सारी फिल्में देखी हैं। तो उसकी मेरे को एक अभी तक डायलॉग याद है जिसमें कहा जाता है कि माँ, मेरी शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ ऐसा मिलता जुलता है, चला मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ पहले। तो दोस्तों यार, ये वर्ड सिर्फ उसी के लिए था जिसने मेरे को मैसेज किया था, यानी कमेंट किया था कि मैं इसको नहीं जानता हूँ ऋतिक रोशन को। तो दोस्तों यार, बस फन के लिए था। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर पीआरजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहली अपडेट निकल के आती है हमारी बरमूडा मैप 2.0 के ऊपर। तो बहुत सारी बातें चल रही थी कि बरमूडा मैप क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों, फ्री फायर क्या कर रही है कि अभी थोड़ी सी चेंजिंग कर रही है मैप के अंदर। जैसा कि आप न्यू मैप देख रहे हैं, तो मतलब हर कुछ 3D ग्राफिक जैसा कि हमारा मैप है। पहले अगर हम अभी फ्री फायर को ओपन करें और मैप को देखें तो मामूली सा मैप नज़र आएगा, तो आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चले मैं आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ऊपर एक अकेडमी बनी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं, और रिम नाम पर वो जो हटा दिया जाएगा वहीं पर आपको अपग्रेड करके दे दिया जाएगा। उसके बाद आप सेंटोसा भी देख सकते, तो इस तरह काफी जगह पे आपको अपग्रेडेशन मिलेगी फ्री फायर में 2.0 आने वाले कुछ टाइम के अंदर। यानी कि बरमूडा मैप में काफी सारी चीजें चेंज कर दी जाएंगी, तो अच्छी बात है बरमूडा में भी चेंजिंग हो रही काफ़ी टाइम बाद। यानी क्लॉक टावर जब बना था फैक्ट्री वगैरह थोड़े दिन पहले, यानी फैक्ट्री वगैरह चेंज की गई है, उसके बाद अब तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, लेकिन अभी अपडेट आ रही है तो यार काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इससे अगली अपडेट की। तो गाइस, अपडेट से पहले हम बात करना चाहेंगे gamesup.com के बारे में, जहाँ पे आप गेम खेल के फ्री में बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। सिंपली आपने सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है, उसके बाद आपको गेम प्ले करनी होगी। क्रिकेट, लूडो, बास्केटबॉल, बहुत सारी गेमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिंपल आपने गेम प्ले करनी है, गेम प्ले करने के बाद जो आपको रिवार्ड मिलेगा, यानी कि जो आप पैसे कमाएंगे उसको आप पेटीएम में डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल को भी रिचार्ज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से गेमें खेलें और खूब सारे पैसे कमाएं। तो दोस्तों, बात कर लें मिस्ट्री शॉप 10 के बारे में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एडवांस, यानी कि जो लोग एडवांस होते हैं, एडवांस का मतलब ये है कि जो मॉडरेटर होते हैं बाहर के, उनको या लीज की इनको वीडियो मिल जाती है कि क्या कुछ आने वाला है, तो मैं उनकी वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्ट्री शॉप 10, यहाँ पर कोई काफ़ी मतलब मॉडिफाई कर दिया गया है मिस्ट्री शॉप को भी। जो पहले मिस्ट्री शॉप आती है उससे बहुत ही अलग है हमारी ये वाली मिस्ट्री शॉप। लेकिन इसके ऊपर देख सकते हैं ऊपर बंडल बना हुआ है मेल करेक्टर का, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया काफ़ी सारी वीडियो में। बाकी बंडल के साथ यानी कि जो कपड़े हैं उसके, जो शर्ट है उसके साथ ही लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ देख सकते हैं बंडल पूरा भी बना हुआ है। यानी कि यह नहीं कि हमें सिर्फ एक शर्ट ही मिलेगी, बंडल भी मिलेगा, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इमोट वगैरह, इलाइट पास भी यहाँ मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इलाइट पास भी इसमें मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें फीमेल करेक्टर का जो बंडल है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है एक मेल करेक्टर के बंडल की शर्ट, जो कि काफ़ी अच्छी है, और लेफ्ट साइड पर पूरा का पूरा बंडल बना हुआ है। यानी कि मिस्ट्री शॉप इस मरतबा की जो मिस्ट्री शॉप होने वाली है वो काफ़ी चेंजिंग होने वाली है। मतलब फ्री फायर अगर अब अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, मैप को, डिज़ाइन को, तो इसलिए वो उसने मिस्ट्री शॉप को भी चेंज करती है। तो इलाइट पास अच्छा है कि अगर किसी दोस्त ने इलाइट पास नहीं लिया तो वो वेट कर लें, 22 या 23 तारीख को मिस्ट्री शॉप 10 आ जाएगी, तब आप इलाइट पास ले लेना। बाकी काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे कि अलोक, तो दोस्तों अलोक की अभी तक कोई भी लीक्स नहीं मिली है कि मिस्ट्री शॉप में आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि डिस्काउंट में आ जाए, स्टोर में डिस्काउंट मिल जाए हमको, लेकिन अभी तक डिस्काउंट के भी कोई चांस नहीं चल रहे फ्री फायर के। अगर आएगा तो मैं आपको उसके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी मिस्ट्री शॉप की जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी बात कर रहे हैं हयातो की, तो यार मैंने कल वीडियो में बताया था कि हयातो उसका सक्सेसर हो सकता है हयातो का। उसका मतलब यही था कि जैसे कि हमारे केली का ये अपग्रेड आया था, जो कि न्यू हमारी केली थी, वैसे ही होने वाला है हयातो, यानी कि वही हयातो होगा लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड होगा। उसके लिए मैं वो येलो टोकन जो यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करके और कुछ मिशन कम्प्लीट करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यार, ये रहा वो हयातो का कुछ इंटरफेस, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो बाकी यानी कि OB23 की अपडेट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो कि आई थिंक 12-13 दिन बाद हमारी गेम में आ जाएगा। उसके बाद एडवांस सर्वर की रजिस्ट्रेशन चल रही है, लेकिन अभी तक एडवांस सर्वर मिला किसी को भी नहीं है। फ्री फायर ने कहा था मिल जाएगा, लेकिन डाउनलोड का फिलहाल ऑप्शन नहीं आया। तो बाकी जैसे ही ऑप्शन आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो गाइस, आज की अपडेट यहीं तक थी, और gamesup.com पे पैसे बन रहे तो अपना हिस्सा लेना मत भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो बाय बाय फ्रेंड।